हेलो व्यूवर्स, आज के समय में सिर्फ हमारे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मेडिकल इमरजेंसी जैसा माहौल है। आज के समय में सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग एक खास वायरस के डर के साए में जी रहे हैं। आप उस वायरस के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं, वैसे हमने उस वायरस के ऊपर अपने चैनल पे कोई वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि आज के समय में काफी ज्यादा नए नए हेल्थ एक्सपर्ट्स YouTube पे आ गए हैं। और आप देख भी रहे होंगे कि आज के समय में जितने भी डॉक्टर्स हैं, उनके पास भी कोरोना वायरस के अलावा कोई दूसरी टॉपिक नहीं दिख रही है। लेकिन इसमें से एक पॉजिटिव निकल कर आई है कि आज के समय में लोग साफ सफाई को लेकर काफी सजग हो गए हैं। आज के समय में लोग बाहर से थोड़ी देर पे भी अगर आते हैं तो वो अपने हैंड को अच्छी तरीके से सैनिटाइज करने के बाद ही कोई खाने पीने की वस्तु या फिर जरूरी चीजों को छू रहे हैं। ये अपने आप में एक अच्छी बात है, लेकिन एज अ रिजल्ट ऐसा हुआ है कि हैंड सैनिटाइजर की मार्केट में बिल्कुल ही शॉर्टेज हो गई है। कस्टमर्स हैंड सैनिटाइजर के ऊपर मेंशन प्राइसिंग से डबल प्राइसिंग भी देने को तैयार हैं, इसके बावजूद भी उन्हें हैंड सैनिटाइजर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो इसी के लिए आज के वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप किस प्रकार से हैंड सैनिटाइजर को अपने घर में ही बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल जेन्युइन और अफोर्डेबल प्राइसिंग में। आप महज 40 से 50 रुपए में ही इतने सैनिटाइजर बना लेंगे कि पूरा परिवार उसको हफ्तों तक यूज कर सकते हैं। वैसे सैनिटाइजर बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के समय में WHO की रिकमेंडेशन है कि आप बस वही सैनिटाइजर यूज करें जिसमें अल्कोहल की कंसंट्रेशन 50-60% हो। तो चलिए अब हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि आपको घर में ही सैनिटाइजर बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स जरूरी होगी और आप किस प्रकार से हैंड सैनिटाइजर बना सकते हैं। तो हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज हमें लेनी है वो है अल्कोहल, जो लगभग 50-60% के कंसंट्रेशन में होनी चाहिए। और मेरे पास अभी जो अल्कोहल है ये लेबोरेटरी यूज की अल्कोहल है जो 99.9% प्योर है। और मेरे पास जो अल्कोहल है ये 500 ml की अल्कोहल की प्राइसिंग लगभग 95 रुपीज है। वैसे आप भी अगर अल्कोहल परचेज करना चाहते हैं तो ये आपको अपने आसपास के किसी भी अच्छे केमिस्ट शॉप में मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको लेने में प्रॉब्लम हो तो मैं इसको ऑनलाइन परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से भी आप अल्कोहल को परचेज करके मंगवा सकते हैं। और उसके बाद आप इस तरह की स्ट्रॉ वाली जार रख सकते हैं जिसमें आप हैंड सैनिटाइजर बनाने के बाद इसमें स्टोर करके रख सकते हैं, और आप बहुत ही आराम से इसको यूज भी कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई ऑयल की बॉटल है तो आप इसको भी रख सकते हैं, जिसको आप इस तरीके से ओपन करके यूज कर सकते हैं और फिर इसे अच्छी तरीके से क्लोज कर सकते हैं। और आप इस तरीके की छोटी बॉटल्स को पॉकेट सैनिटाइजर के रूप में भी यूज कर सकते हैं। हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए जो अल्कोहल के बाद हमें दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जरूरी है वो है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट। वैसे तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप बिल्कुल नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं। वैसे अगर आपको नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट ना मिले तो इसके लिए आप मार्केट से भी एलोवेरा जेल परचेज कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो में जान लेते हैं कि आप किस प्रकार से एलोवेरा लीफ से आप जेल निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस एलोवेरा लीफ को दो पार्ट में डिवाइड कर लें, और उसके बाद आप इस एलोवेरा लीफ को ऊपर से यानी सेंटर से आप इस तरीके से अलग कर दें, और फिर आप देखेंगे कि इसमें से जेली तरीके की पदार्थ निकल रही है। इसको आप इस तरीके से नाइफ से आप अच्छी तरीके से निकाल लें और फिर किसी कंटेनर में स्टोर करके रख लें। एलोवेरा की लीफ से ये एक्सट्रैक्ट निकालना बहुत ही आसान होता है और ये बिल्कुल प्योर और नेचुरल होगी, तो इसके लिए आपको किसी भी प्रकार के साइड इफेक्ट्स की भी टेंशन नहीं होगी। तो ये हमने एलोवेरा लीफ से एलोवेरा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है जो बहुत ही स्टिकी है। आप भी इसी तरीके से एलोवेरा लीफ से एक्सट्रैक्ट निकाल सकते हैं, या फिर अगर आपके आसपास में एलोवेरा लीफ ना हो तो आप इसके लिए मार्केट से भी एलोवेरा जेल परचेज कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन एलोवेरा जेल परचेज करना चाहते हैं तो इसके परचेज करने का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से भी आप एलोवेरा जेल को ऑनलाइन परचेज करके मंगवा सकते हैं। और हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए जो तीसरी चीज हमें लेनी है वो है टी ट्री ऑयल। अगर आपके घर में टी ट्री ऑयल नहीं हो तो आप इसके जगह पे कोई भी प्योर बॉडी ऑयल ले सकते हैं, क्योंकि अल्कोहल का 50% से ज्यादा कंसंट्रेशन अपने बॉडी पे अप्लाई करने के बाद आपका स्किन ड्राई हो सकता है। इसके लिए टी ट्री ऑयल को हैंड सैनिटाइजर में यूज करना बहुत ही अच्छा होगा। साथ ही साथ टी ट्री ऑयल
आपके स्किन को मॉइस्चराइज करने के साथ ही आपके स्किन को एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज भी प्रदान करती है। वैसे हमारे पास एलोवेरा एक्सट्रैक्ट बहुत ही कम है, इसके लिए मैं अभी आपको 100 ml हैंड सैनिटाइजर बनाकर बताऊंगा। तो चलिए, हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए मैं इस तरीके का ग्लास ले लेता हूँ। आप इसकी जगह पे कोई दूसरी जार भी ले सकते हैं। हमें 100 ml हैंड सैनिटाइजर बनाना है तो इसके लिए हमें 50% अल्कोहल की जरूरत होगी। तो 50% का मतलब हुआ कि 100 ml हैंड सैनिटाइजर के लिए हमें 50 ml अल्कोहल लेना है। तो चलिए, मैं सबसे पहले 50 ml अल्कोहल इस मेजरमेंट जार से मेजर करके ले लेता हूँ। तो ये 50 ml हो गया है, इसको मैं इस ग्लास में डाल देता हूँ। और इसके बाद हमारे पास ये 25 ml एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, इसको भी मैं इस अल्कोहल में मिला देता हूँ। चूंकि इसमें हमने नेचुरल एलोवेरा एक्सट्रैक्ट मिलाया है, तो इसके लिए अगर आप टी ट्री ऑयल यूज करते हैं तो ये आपके हैंड सैनिटाइजर के लिए प्रिजर्वेटिव्स का भी काम करेगी। और आप इस तरीके से अपने हैंड सैनिटाइजर को लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, इसके बाद हम इसमें 10 ml टी ट्री ऑयल ले लेते हैं। तो अब इस 10 ml टी ट्री ऑयल को हम इसमें मिला देते हैं। और 100 ml हैंड सैनिटाइजर बनाने के लिए आप इसमें 15 ml प्योर वाटर मिक्स कर लें। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप घर की कोई भी कॉन्टामिनेटेड वाटर मिक्स ना करें, क्योंकि ये आपके हैंड सैनिटाइजर को लंबे समय तक प्रिजर्व नहीं होने देगी। तो इसके लिए आप मिनरल वाटर ही इसमें ऐड करें। तो इसके लिए अब मैं इसमें 15 ml वाटर मिला लेता हूँ। तो ये हमारी 15 ml वाटर हो गई है, अब मैं इसमें मिक्स कर लेता हूँ। और सभी इंग्रेडिएंट्स को इस जार में डालने के बाद आप इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद अब आपका 100 ml हैंड सैनिटाइजर बनकर तैयार हो गया है। इसे आप कोई भी ऐसी स्ट्रॉ वाली जार में स्टोर करके रख सकते हैं, या फिर आप इसे ऑयल की कोई बॉटल में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए, अब मैं इसे ऑयल की इस बॉटल में स्टोर करके रख लेता हूँ। तो चलिए, अब ये हमारा 100 ml हैंड सैनिटाइजर बनकर तैयार हो गया है, जिसे हमने 100 ml की इस बॉटल में स्टोर करके रख लिया है। इसको यूज करने से पहले आपको हमेशा इस बॉटल को अच्छी तरीके से शेक करने के बाद इसे आप अपने हाथों पे इस तरीके से ले सकते हैं। आप इसे अच्छी तरीके से अपने हाथों पे रब करें, और अच्छी तरीके से रब करने के बाद अपने पूरे हाथों में अच्छी तरीके से पीछे की ओर भी रब कर सकते हैं। और उसके बाद आप इस तरीके से अपने उंगलियों के बीच में भी इसे रब करके अच्छी तरीके से अपने पूरे हाथ में अप्लाई करें। मैं फील कर रहा हूँ कि मुझे इसकी बहुत ही अच्छी स्मेल भी मिल रही है। तो इस वीडियो में बताए स्टेप से आप घर में ही किस प्रकार से हैंड सैनिटाइजर बनाया जाता है, इसके बारे में आपको मालूम हो गया होगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी ये वीडियो आपको काफी अच्छी और ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आज की हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल सके। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को अभी क्लिक करें, और बेल के निशान बनने पर उस पर भी क्लिक करें, ताकि ऐसे ही मेरा आने वाला हर ज्ञानवर्धक वीडियोस आपको मिल सके। आगे एक और वीडियो के साथ आऊंगा, तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।